पायरोकिनेसिस। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसकी मदद से आप फायर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, यानी आप अपने हाथों में आग का एक गोला बना सकते हो और उसे यहाँ वहाँ किसी भी तरीके से फेंक सकते हो। इसके ऊपर मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आप 7 डेज के अंदर हल्की फुल्की पायरोकिनेसिस सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को थोड़ी से डिटेल में जानेंगे कि हम किन प्रैक्टिसों की मदद से थोड़े एडवांस लेवल पे पायरोकिनेसिस के जा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, आई एम स्पाई टेक एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल टेक। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कैसे एक बंदा पायरोकिनेसिस सीखना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले एक माचिस की तिल्ली आप ले सकते हैं, उसे आपको जलाना है और आपको ट्राई करना है उस फायर एलिमेंट के साथ कनेक्शन बनाने का। अब आपको उस माचिस की तिल्ली को बुझाने की कोशिश करनी है बिना फूंक मारे। कैसे? आपको ऐसा महसूस करना है कि आपके अंदर से एक एनर्जी आ रही है जो कि उस फायर एलिमेंट से कनेक्ट हो पा रही है और आप जिस तरीके से चाह रहे हैं वो उस तरीके से फायर आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो। देन एडवांस लेवल पे जाते जाते आपको क्या करना होता है, जब आप फायर एक्सटिंग्विश करना आसानी से सीख जाते हो, जब आप इसे कैंडल के साथ भी ट्राई कर लेते हो, तब आप पायरोकिनेसिस को ऐसी चीजों पे ट्राई कर सकते हो जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम हो, क्योंकि वो काफी इजीली जल जाती हैं। तो ऐसे आपको पेपर लाने हैं जो काफी थिन होते हैं और हल्की सी चिंगारी से भी आग पकड़ सकते हैं। आपको सबसे पहले तो ये एक्टिविटी आपको रोज करनी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले विजुअलाइज करना है कि आपके अंदर एक ऊर्जा आ रही है आपके नाभि से आपके हाथों की। अब नाभि से मैंने इसलिए बोला क्योंकि नाभि के पास हमारा एक चक्र होता है जिसे हम मणिपुर चक्रा कहते हैं और वो फायर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो अगर आप उस चक्रा को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देते हो, मतलब थोड़ा और ज्यादा एक्टिव बना देते हो, तो आप फायर एलिमेंट के साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको उसी चक्रा को जगाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, जो कि मैं पहले भी सारी वीडियो में बताता हूं। आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे ज्यादा बेस्ट ये रहता है कि आप ची एनर्जी का इस्तेमाल करो, क्योंकि ची एनर्जी से आप इन पायरोकिनेसिस टेलीकिनेसिस जैसी एबिलिटीज को काफी आसानी से सीख सकते हो। तो ची एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, कि आपको सबसे पहले ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करनी होती हैं, वो ची एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ाती हैं। आपको आपके अंदर जो भी आपको लगता है कि बुरी आदतें हैं, सबसे पहले उन्हें छोड़ देना है, खासकर खाने पीने से रिलेटेड। और इसके अलावा आप चाहे तो आप एक बीज मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हो, जो कि मणिपुर चक्रा का बीज मंत्र है और वो है रम। अब आपको क्या करना है कि इसको बड़े धीरे पेस में भी नहीं बोलना है, बड़े तेज पेस में भी नहीं बोलना है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो ट्राई करना कि आप इसको लगभग ठीक ठाक स्पीड से आप इसको बोलो, ना ज्यादा लाउड ना ज्यादा धीरे, पर इसको बोलो हल्के से। अब इससे क्या होता है कि ना ये आपके अंदर गर्मी बढ़ाता है, क्योंकि अब मणिपुर चक्र से रिलेटेड है जो कि फायर से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा कि आपके अंदर थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है ना, तो इसे ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, पर हाँ आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, यह आपकी मदद करेगा पायरोकिनेसिस सीखने में। अब जब ये सब हो जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप अब पायरोकिनेसिस को एक्चुअल में प्रैक्टिस करो। वो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था, काफी सारे कागज लेके उसकी एक फुटबॉल टाइप बना लो, गोला टाइप बना लो, और ऐसा महसूस करो कि आपके हैंड से एनर्जी उस बॉल के अंदर जा रही है और उसके अंदर चिंगारी पैदा हो रही है और वो जल रहा है। इसको आपको करते रहना है। हाँ, ये आप तभी करिए जब आप पायरोकिनेसिस में थोड़ी बिगनर बन चुके हैं, क्योंकि अदरवाइज पायरोकिनेसिस को सीखना कोई बहुत ज्यादा आसान बात नहीं है। तो अगर आपको पायरोकिनेसिस अच्छे से सीखनी है तो आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाकी अब मैं कुछ और कंटेंट लाने की भी सोच रहा था, लेकिन क्योंकि काफी सारे लोग मेरे को एबिलिटीज के बारे में बताते रहते हैं, और वो भी ऐसा होता है कभी कभी कि वो काफी समय तक मुझे एक ही वीडियो को बनाने के लिए कमेंट करते रहते हैं, और इसी कारण से मैं आज पायरोकिनेसिस एडवांस्ड वर्जन भी लेके आया था। बट अब मैं जा रहा हूँ कि मैं कुछ खुद का भी नए कंटेंट बनाऊं। तो क्योंकि आप देखोगे ना कि ये जो पायरोकिनेसिस है, टेलीकिनेसिस है, इनके ऊपर मैं ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका हूँ, और इनके एडवांस्ड वर्जन ये सब लाना कोई मतलब नहीं बनाता, क्योंकि ये आप तभी हासिल कर सकते हो जब आप बिगनर लेवल पे पहुंच जाओ। और अगर आप बिगनर लेवल पे पहुंच चुके हो तो एडवांस लेवल पे पहुंचने का सबसे ज्यादा आसान तरीका यही होता है कि आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जैसे मेडिटेशन, एनर्जी की, उनका टाइम आप बढ़ा दो पहले से, तो वो आपको मास्टरी लेवल की तरफ अपने आप ले जाएगा। अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। तो गाइज, अब मैं आपके लिए कुछ नए कंटेंट अगली बारी से लेके आने वाला हूँ, तो तब तक इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आप चाहते हो कि मैं कोई नए कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं, वो टॉपिक आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।